और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंधकों की मौत, गुस्से में बाइडेन क्यों? क्योंकि हमास के कब्जे में जो 6 बंधक थे उनकी मौत हो गई है। दरअसल उनकी हत्या की जानकारी मिल रही है। ये सभी अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं और इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रफा में हमास ने 6 बंधकों की हत्या की जानकारी दी है। IDF के थ्रू ये जानकारी मिली है, जिसके बाद मरने वाले बंधकों में अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। ये सभी 6 लोग जो हैं वो अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बाइडेन की हमास को चेतावनी, सीधे तौर पर कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। रफा में हमास का खूनी खेल सामने आया है और इसमें देखिए इन 6 लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अलेक्जेंडर बताया जा रहा है, का नाम एडन है, ओरी है, ये तमाम वो नाम जिनकी जिंदगी खत्म हुई। और वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, एक दूसरे पर दोनों ही हमला कर रहे हैं। और वहीं रूस पर बड़ा अटैक ड्रोन के जरिए यूक्रेन किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है ड्रोन के जरिए यूक्रेन की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार बड़े हमले जो यूक्रेन है वो कर रहा है। आपको बताएं कि मॉस्को में अब ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। मॉस्को के पास पावर प्लांट पर ये ड्रोन से हमला हुआ है, पावर प्लांट और गैस नेटवर्क को इसके जरिए नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए आप, जहां ड्रोन का इस्तेमाल इस हमले के लिए यूक्रेन ने किया है, कशिरा मॉस्को पावर प्लांट पर ये ड्रोन अटैक, जिसकी वजह से ना सिर्फ पावर प्लांट बल्कि गैस नेटवर्क को भी खासा नुकसान हुआ है। रूस की धरती पर यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को के पास पावर प्लांट में। आपको बताएं कि लगातार यूक्रेन बड़े हमले रूस में कर रहा है, अब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में जो आप लगातार जो धमाका देख रहे हैं, ये पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रूस पर फिर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है रूस पर। और वही तस्वीरें सामने आई हैं, मॉस्को में पावर प्लांट पर अटैक किया गया है और किस कदर से ये अटैक किया गया है तस्वीरों में दिख रहा है। मॉस्को का पावर प्लांट था, यानी कि यहाँ से बिजली सप्लाई होती थी और यहीं पर हमला किया है यूक्रेन ने, इसी को निशाने पर लिया है। जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा जो जंग है, ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होती हुई यहाँ से दिख रही है। दक्षिण चीन सागर के एक विवादित हिस्से में चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जहाज आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। फिलीपींस का दावा है कि चीनी के जहाज सीधे और जानबूझकर उसके जहाज को टक्कर मारने के लिए पहुंचे थे, और वहीं चीन का आरोप है कि फिलीपींस का जहाज जानबूझकर उसके जहाज से आकर टकराया है। दोनों का एक दूसरे पर यह भी आरोप है कि जो सीमाएं हैं उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चीन फिलीपींस में तनाव, लाल सागर में टकराव, जहाज कुमारी टक्कर, कैमरे में कैद चीन की हरकत, समंदर में चीन की दादागिरी, डराना धमकाना और दादागिरी दिखाना चीन की पुरानी आदत रही है। चीन अपने से कमजोर देश पर हमेशा धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। अब दक्षिण चीन सागर से सामने आया एक वीडियो चीन की शराफत की पोल खोल रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के साथ एक बार फिर भिड़ गया। आरोप है कि चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस के तटरक्षक जहाज BRP टेरेसा को समंदर में 3-3 बार जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद विवादित जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लाल सागर में एक महीने के भीतर चीन और फिलीपींस के बीच समंदर में हुआ ये 5वां टकराव है। वहीं दूसरी ओर चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर का वीडियो सामने आने के बाद चीन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने टकराव का वीडियो शेयर करते हुए चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज पर जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। फिलीपींस के मुताबिक इस टक्कर की वजह से उनके कोस्ट गार्ड वेसल को काफी नुकसान पहुंचा है।
आपको बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन ऐसे कुछ हिस्सों को अपना बताता है जिस पर फिलीपींस, बुर्नेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते हैं। ताजा घटनाक्रम को लेकर भी चीन ने फिलीपींस पर ही आरोप लगाए हैं। वहीं चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने भी चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना पर हमले की कोशिश हुई तो अमेरिका फिलीपींस की रक्षा के लिए बाध्य होगा। बहरहाल चीन समंदर में भले ही दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन फिलीपींस भी चीन से डरने वाला नहीं है। फिलीपींस चीन की दादागिरी से तंग आकर अब खुद को मजबूत करने और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में लग गया है। हालांकि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहे हैं लेकिन लाल सागर की इस हालिया घटना ने दुनिया के सामने चीन की पोल खोल दी है। चीन की दादागिरी दुनिया के सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ और हिंदू प्रोफेसर से जबरन इस्तीफा लेने का दौर लगातार जारी है। वहीं पाक परस्त जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया है। तो क्या बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश अभी हिंसा की आग में धधक रहा है। ना हालात बदले, ना वारदातें कम हुई और ना ही यूनुस सरकार के कानों में जू रहेगी। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, उनके घर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये ताजा हालात है बांग्लादेश की गाजीपुर के, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। सड़कों पर हुड़दंग करते ये लोग सामाजिक ताने बाने के दुश्मन बन बैठे हैं। और तो और, ठाकुरगंज में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना की देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग से दिखने लगी। भारत का दोस्त रहा मुल्क अब भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। सब कुछ ठीक करने का दावा करने वाली यूनुस सरकार खुद ही ऐसे कदम उठा रही है या फिर उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है जो बताते हैं कि वो पाकिस्तान की राह पर चलने लगी है। हिंदू महिला प्रोफेसर से जबरन इस्तीफा लिया गया। एबीटी के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त पार्टी जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक महिला प्रोफेसर से जो बांग्लादेश के सबसे मशहूर कॉलेज का कई सालों से हिस्सा रही, उसे मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने जबरन इस्तीफा ले लिया। ये तमाम घटनाक्रम बता रहा है कि यूनुस का भारत विरोधी रुख क्या उजागर हो गया है। बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हिंदुओं के खिलाफ यूनुस उनको खुश करने में लगे हुए हैं। कई प्रोफेसर को हटा रहे हैं, कई जितने भी टेररिस्ट थे उनको जेलों से रिहा किया जा रहा है। खालिदा जिया तो रिहा हो चुकी है और इसके अलावा जमाते इस्लामी के ऊपर जो बैन हाल ही में शेख हसीना ने लगाया था उसको भी हटा दिया। बात बिल्कुल साफ है, ये सब लोग जिनको यूनुस आज मदद कर रहे हैं वो एंटी इंडिया थे और एंटी इंडिया हैं। एबीटी अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक सहायक संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है। इन संगठनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है। इनकी रिहाई यूनुस सरकार की नियत पर सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की डील कर ली है। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन था। शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता रहा है तो वहीं बीएनपी और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की आतंक परस्त चेहरे को यूं तो भारत ने कई बार एक्सपोज किया है। कई बार कई मंचों से पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाया है और इस बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान को आंखें नीचे करके खड़ा होना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई, इस रिपोर्ट में देखिए।
को यूं तो भारत ने कई बार एक्सपोज किया, दुनिया की कई मंचों पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है, आतंकियों का पनागार है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंकवादियों की सरपरस्ती में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की करतूत को, आतंकिस्तान के मंसूबे सभी को पता है। भारत तो हर बार नापाक मंसूबे उजागर करता रहा, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शाबाज के मुल्क के आतंक प्रेम को सरेआम खोल दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। मैकमास्टर ने अपनी किताब ए वार विद आवरसेल्फ माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस में ये दावा किया कि हम सभी ने ट्रंप को कहते सुना था, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और पैसा दिया जाए। 2008 की मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा करने पर भी ट्रंप के दौर में NSA रहे मैकमास्टर ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. भारत अब आतंकिस्तान को सबक सिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जबकि ISI का पूर्व चीफ कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुआ और अब पाक के एक बड़े आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद और आतंकवादियों ने उनके घर के पास से अगवा कर लिया। पूरा मुल्क आतंक के चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर शहबाज का देश आतंक से यारी नहीं तोड़ रहा, यही हाल रहा तो पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही आखिर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कब वापस धरती पर लौटेंगी, यह सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है जिस वक्त वो जून में गई थी, लेकिन अभी भी उनकी वापसी नहीं हो पाई है। उनकी वापसी की तमाम कोशिशें हो रही है और अब यह कहा जा रहा है कि उनकी वापसी में अभी और वक्त लग सकता है और नासा किसी भी तरीके की चूक ना हो इसके लिए फरवरी तक का प्लान कर रहा है। देखिए, नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर को स्पेस स्टेशन पर गए आज 86 दिन पूरे हो गए हैं। वो दोनों 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुए थे और उन्हें एक हफ्ते बाद 14 जून को वापस धरती पर लौटना था, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया। बाद में नासा की तरफ से जानकारी दी गई कि जिस स्पेसशिप स्टार लाइनर से अंतरिक्ष गई थी वो स्पेस स्टेशन पहुंचने से पहले ही खराब हो गई और तभी से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के वापस धरती पर आने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि नासा ने बीते दिनों दोनों की वापसी को लेकर साफ कह दिया था कि अब सुनीता और विलमोर की अगले साल फरवरी में ही पृथ्वी पर वापसी के संकेत हैं, लेकिन इतने लंबे वक्त तक दोनों एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में फंसे होने को लेकर पूरी दुनिया के लोग फिक्रमंद हैं। इसी कड़ी में अब जानकारी आई है कि नासा ने यह फैसला जानबूझ कर लिया है। नासा ने बोइंग को ये दो एस्ट्रोनॉट्स ले जा करके अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में जाने की अनुमति दी। ये अपने आप में एक तरह का, मैं ये तो नहीं कहूंगा भूल है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लिया इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और जिस जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता था, यानी कि वो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके फंस जाएं, वही हुआ। अब क्या हो रहा है, अब जब ये गलती पता लग गई बोइंग की और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन ISS में थी, उसके बाद भी बोइंग और नासा लगातार कोशिश ये कर रहा था कि इसी यान में उसको वापस ले आए, बनिस्बत इसके कि एक रेस्क्यू मिशन हम तुरंत उस पे हम लॉन्च करें, वो हमने नहीं किया। दरअसल साल 2003 में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटती हुई हादसे का शिकार हो गई थी। कल्पना को वापस लाने वाला स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी की कक्षा में आते ही आग का गोला बन गया था, जिसके चलते कल्पना समेत 6 और अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी साल 1986 में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें 14 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी,
यही वजह है कि नासा अब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच वुलमोर की वापसी में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने दोनों हादसों का जिक्र करते हुए कहा, हम बोइंग स्टारलाइनर को खाली वापस ला रहे हैं। पहले नासा ने गलती की थी